तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों? बढ़िया सब, मजा आ रहा है ना जिंदगी में? बस ऐसे ही मजे करते रहो और अपने सपनों को पूरा करते रहो दीवानों। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में बात करी है कि टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियां कौन कौन सी है, वैसे ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियां कौन कौन सी है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के लिए वो कौन सी जोड़ी है जिन्हें टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए कौन सी जोड़ी है, वेस्ट इंडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, एक एक करके सभी देशों की जोड़ियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि अपने देश के लिए टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी कौन सी है। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय ना खराब करते हुए एक बार नजर मार लेते हैं टी20 आईज में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियों के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। दीवानों, टी20 आईज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्ला की जोड़ी। बांग्लादेश की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 28 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 31.45 के एवरेज से 755 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 84 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 5 बार 50 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है श्रीलंका के महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा की जोड़ी। श्रीलंका की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 22 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 41.10 के एवरेज से 822 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 166 रन की है और इन दोनों ने साथ में टी20 आईज में कुल 3 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 2 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है इंग्लैंड के जोस बटलर और जो रूट की जोड़ी। इंग्लैंड की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 26 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 34.64 के एवरेज से 866 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 95 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 7 बार 50 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और नजीबुल्लाह जादरान की जोड़ी। अफगानिस्तान की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 29 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 38.50 के एवरेज से 924 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 107 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 6 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 1 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 6 नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और एरोन फिंच की जोड़ी। ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 35 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 36.66 के एवरेज से 1210 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 122 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज के अंदर 5 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 3 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन की जोड़ी। न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 30 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 47.79 के एवरेज से 1379 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 171 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज के अंदर कुल 8 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 4 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी। पाकिस्तान की इस जोड़ी ने टी20 आईज के अंदर कुल 27 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 56.65 के एवरेज से 1473 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 197 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 4 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 6 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर आती है स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुनसे और काइल कॉर्डर की जोड़ी। स्कॉटलैंड की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 46 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 34.28 के एवरेज से 1577 रन बनाए हैं और इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 200 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 10 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 2 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले देश की जोड़ी की तरफ। हमारी इस लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है आयरलैंड के केविन ओब्रायन और पॉल स्टर्लिंग की जोड़ी। आयरलैंड की इस जोड़ी ने टी20 आईज में कुल 49 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 35.10 के एवरेज से 1720 रन बनाए। साथ ही इन दोनों की टी20 आईज की बेस्ट पार्टनरशिप 154 रन की है और इन दोनों ने टी20 आईज में कुल 10 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 3 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है।
तो दीवानों T20 आइस की नंबर वन जोड़ी बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि IPL बहुत ही नजदीक है और आप और मैं उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। ऐसे में इस इंतजार का डबल मजा लेने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ IPL का गेम प्लान। इस IPL के गेम प्लान के अंदर आप और मैं मिलकर करेंगे खूब सारा मजा और मजे के साथ साथ कमाएंगे पैसा भी। देखो, इसमें छुपाने या शर्माने वाली कोई बात नहीं है। IPL के अंदर लगभग सभी पैसा लगाते हैं, चाहे वो फैंटेसी का प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म। और एक प्लेटफॉर्म मेरे पास भी है जहाँ मैं पैसा लगाता हूँ ज्यादातर, वो मैं आपको अपने IPL के गेम प्लान के पहले मैच से बताऊंगा। तो बस तैयार हो जाओ पैसा कमाने के लिए। IPL के पहले मैच से आखिरी मैच तक सभी मैचेस के आपको इसी चैनल पर गेम प्लान मिलेंगे और उस गेम प्लान की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे उसके लिए अपने इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो दीवानों, इसी के साथ अब नजर मार लेते हैं T20 आइस के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी के ऊपर। हमारी इस लिस्ट में नंबर वन पर आती है इंडिया के शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी। इंडिया की इस जोड़ी ने T20 आइस के अंदर कुल 52 इनिंग में बैटिंग करी है, जिसमें इन्होंने 33.51 के एवरेज से 1743 रन बनाए हैं। साथ ही इन दोनों की T20 आइस की बेस्ट पार्टनरशिप 160 रन की है और इन दोनों ने T20 आइस के अंदर कुल 7 बार 50 रन की पार्टनरशिप और 4 बार 100 रन की पार्टनरशिप भी निभाई है। तो दीवानों, T20 आइस में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियां ये हैं। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन सब में से सबसे खतरनाक जोड़ी T20 आइस की आपकी नजरों में कौन सी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और IPL के गेम प्लान के लिए तैयार रहो, उसके अंदर खूब मजा करेंगे। तो चलिए दीवानों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो और IPL का गेम प्लान देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।